हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल आर डी ऑटो इन्फो में आपको स्वागत है। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले टीवीएस आईक्यूब इलेक्ट्रिक स्कूटर, जो टीवीएस का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इलेक्ट्रिक स्कूटर का बात किया जाए तो अभी फिलहाल इंडियन मार्केट में इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है, बट कुछ स्कूटर जो बेस्ट है इसमें से एक है टीवीएस आईक्यूब इलेक्ट्रिक स्कूटर। सो गाइस, आज का वीडियो में हम टीवीएस आईक्यूब इलेक्ट्रिक स्कूटर का प्राइस, माइलेज, ऑल फीचर्स के बारे में डिटेल्स में बात करने वाला है। तो गाइस, आपका इलेक्ट्रिक आईक्यूब स्कूटर खरीदना है तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिए, इस स्कूटर का सारे जानकारी आपको मिल जाएगा। और गाइस, आप इस चैनल पर पहली बार हो तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि गाड़ी के बारे में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप ना मिस करें। सो गाइस, पहले बात कर लेते हैं स्कूटर का लुक के बारे में। स्कूटर सिंपल से देखने में बहुत ही शानदार लगता है। इसका लुक थोड़ा वो टीवीएस जुपिटर से मिलते जुलते है। और गाइस, स्कूटर एक ही कलर में अवेलेबल है, व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन में देखने को मिल जाएगा। इस स्कूटर का लाइटिंग के बारे में बात करें तो स्कूटर में फुल्ली एलईडी लाइटिंग सेटअप देखने को मिल जाएगा। इसका जो हेडलाइट है एलईडी में दिया हुआ है, इसका इंडिकेटर एलईडी है और टेल लाइट भी एलईडी में देखने को मिल जाएगा, जो काफी शानदार लगता है देखने में। सो गाइस, अभी बात कर लेते हैं स्कूटर के स्पेसिफिकेशन के बारे में। स्कूटर का लेंथ के बारे में बात करें तो स्कूटर में 1805 mm लेंथ आपको देखने को मिल जाएगा, और जो वाइड है 645 mm, और जो हाइट है 1140 mm हाइट देखने को मिल जाएगा। इस स्कूटर का कार वेट है 118 kg, और जो व्हील बेस है 1301 mm, और इसका ग्राउंड क्लियरेंस 150 mm। सो गाइस, इस स्कूटर का टायर साइज की बात की जाए तो फ्रंट में 90x90 12 इंची ट्यूबलेस टायर आपको देखने को मिल जाएगा, और गाइस रियर में आपको 90x90 12 इंची ट्यूबलेस टायर आपको देखने को मिल जाएगा। दोनों टायर साइज आपको सेम देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, इस स्कूटर का ब्रेक की बात की जाए तो फ्रंट में 220 mm डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा, और रियर में 130 mm डाम ब्रेक आपको देखने को मिल जाएगा, जो काफ़ी अच्छा है गाइस। अभी गाइस, इस स्कूटर का सस्पेंशन की बात किया जाए, इस स्कूटर में फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको देखने को मिल जाएगा, और गाइस रियर में हाइड्रोलिक ट्विन ट्यूब शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन आपको देखने को मिल जाएगा, जो काफ़ी अच्छा है गाइस। सो गाइस, अभी बात कर लेते हैं स्कूटर का राइडिंग रेंज के बारे में, जो कि स्कूटर का मेन चीज़ है। सो गाइस, स्कूटर में आप 75 किलोमीटर इको मोड में आप जा सकते हो, और पावर मोड की बात किया जाए तो पावर मोड में आप 50 से 55 किलोमीटर जा सकते हो ओनली फॉर सिंगल चार्ज में। स्कूटर का टॉप स्पीड की बात किया जाए, स्कूटर में आपको 78 kmph टॉप स्पीड आपको देखने को मिल जाएगा। स्कूटर में 4.4 kW की हाफ माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर आपको देखने को मिल जाएगा, और बैटरी इसमें डिवाइड करके लगाया गया है। इसमें आपको टोटल 3 लिथियम आयन बैटरी देखने को मिल जाएगा, 2 पीछे है और 1 आगे फुट डेस्क पे दिया हुआ है। इस स्कूटर का बैटरी का वारंटी की बात करें, जिस स्कूटर में आपको 3 इयर्स बैटरी वारंटी देखने को मिल जाता है, 15,000 किलोमीटर। और गाइस, इस स्कूटर का एक्सीलरेशन की बात किया जाए, 0 to 14 km/h जाता है 4.2 सेकंड में, जो बहुत ही बेटर है गाइस। सो गाइस, इस स्कूटर का चार्जिंग टाइम के बारे में बात करते हैं, स्कूटर में 18% चार्ज होने में टाइम लगते हैं 5 आवर्स। स्कूटर का चार्जर पोर्ट के बारे में, स्कूटर में आपको 2 अलग अलग चार्जर पोर्ट देखने को मिल जाता है, एक फिक्स्ड चार्जर और दूसरा पोर्टेबल चार्जर। जो फिक्स्ड चार्जर होता है गाइस, वो अपने घर पर लगा के आप गाड़ी को चार्ज कर सकते हो, और जो पोर्टेबल चार्जर होता है वो आप कहीं पर भी लेके जा सकते हो, कहीं पर भी इस गाड़ी को चार्ज कर सकते हो गाइस। और गाइस, इस दोनों चार्जर का प्राइस भी अलग है, आपको जो चार्जर लेना है उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। सो गाइस, अभी बात कर लेते हैं स्कूटर का पैकेज के बारे में। स्कूटर में जो बैटरी मिलते हो 3 इयर्स का वारंटी अप टू 15,000 किलोमीटर, और स्कूटर में लाइफ टाइम स्मार्ट एक्स कनेक्ट बेसिक फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और गाइस, स्कूटर में वंस ईयर्स RS है, RS का मतलब होता है गाइस रोड साइड असिस्टेंट। और गाइस, स्कूटर में आपको स्टैंडर्ड एक्सेसरीज एडवांस सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, और गाइस 1 इयर्स स्मार्ट एक्स कनेक्ट आपको देखने को मिल जाता है। सो गाइस, अभी बात कर लेते हैं स्कूटर का एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में। स्कूटर में आपको नेविगेशन देखने को मिल जाता है, रिमोट लाइव चार्जिंग स्टेटस आपको देखने को मिल जाता है गाइस। स्कूटर में आपको इनकमिंग कॉल, मैसेजेस, नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है, एंटी थीव अलर्ट, लाइव ट्रैकिंग, लास्ट पार्किंग लोकेशन देखने को मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छे गाइस। इतना सारे फीचर के साथ ये स्कूटर आपको देखने को मिल जाता है। इस स्कूटर में आपको USB चार्जिंग अवेलेबल है, जिससे द्वारा आप अपना मोबाइल को चार्ज भी कर सकते हो, जो बहुत ही अच्छा है। सो गाइस, अभी बात कर लेते हैं स्कूटर का प्राइस के बारे में। स्कूटर का प्राइस पहले से थोड़ा कम रखा गया है, पहले जितना सब्सिडी आपको देखने को मिल जाता है, अभी उससे और भी ज़्यादा सब्सिडी आपको स्कूटर में देखने को मिल जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट अभी सब्सिडी दे रहा है। और गाइस, गवर्नमेंट जो सब्सिडी देता है वो स्कूटर का सब्सिडी नहीं देता है, वो स्कूटर का बैटरी का सब्सिडी देता है। तो गाइस, टीवीएस आईक्यूब इलेक्ट्रिक में आपको 2.25 kWh के आपको बैटरी देखने को मिल जाते हैं, जिसमें गवर्नमेंट पहले सब्सिडी देता था 10,000 per kWh का। लेकिन गाइस, अभी जो गवर्नमेंट सब्सिडी देता है वो 15% बढ़ चुका है, अभी जो रेट है 15,000, इसलिए स्कूटर का बैटरी में आपको ज़्यादा सब्सिडी देखने को मिल जाता है, इसका प्राइस भी थोड़ा सा कम हो गया है। सो गाइस, स्कूटर का पुणे का जो ऑन रोड प्राइस है 1,10,898 रुपीज़,
और जो बेंगलुरु का जो प्राइस है 1,10,506 रुपये का, और जो दिल्ली का प्राइस है ऑन रोड में 1,777 रुपये। TVS iQube स्कूटर का सबसे कम प्राइस आपको दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, अभी बात करें तो स्कूटर आपके लिए लेना है कि नहीं लेना है। अगर गाइस आप डेली 40 से 50 किलोमीटर तक राइडिंग करते हो तो स्कूटर आप ले सकते हो। अगर गाइस आप डेली राइडिंग करते हो 90 से 100 किलोमीटर तो गाइस ये स्कूटर आपके लिए नहीं है गाइस। सो गाइस, एक तरफ बजाज चेतक का, दूसरा तरफ TVS iQube, दोनों स्कूटर बड़ा कंपनी से, दोनों स्कूटर पिछले साल में लॉन्च किया गया है। लेकिन गाइस दोनों स्कूटर में आपको प्राइस और फीचर्स आपको सेम देखने को मिल जाता है, लेकिन बजाज चेतक में आपको एवरेज ज़्यादा देखने को मिल जाता है, TVS iQube में थोड़ा सा कम एवरेज आपको देखने को मिल जाता है। इसलिए गाइस बजाज चेतक कस्टमर का ज़्यादा चॉइस होता था, लेकिन गाइस अभी TVS iQube का प्राइस घटा के कम कर दिया है। अभी बजाज चेतक का प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया और TVS iQube का कम हो गया, और फीचर्स दोनों में सेम देखने को मिल जाते हैं, इसलिए आपको बेस्ट चॉइस होने वाला है TVS iQube। इसलिए गाइस आप TVS iQube खरीद सकते हो, बहुत ही बेस्ट स्कूटर होने वाला है। और गाइस गाड़ी के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सो गाइस, आज वीडियो इतना ही है। वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और गाइस, आप इस चैनल पे पहली बार हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि गाड़ी के बारे में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप ना मिस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत।